अस्सलामुअलैकुम। मुगल जायका में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बकरे का पाया। ऐसे तो बकरे का पाया बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन हम आपको इतना आसान तरीका बता देंगे कि बहुत जल्दी आप पाया बना लेंगे। ऐसे तो अब मार्केट में साफ किया हुआ भी पाया मिलने लगा है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे खाने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी, जिलेटिन की कमी, हड्डियों का दर्द सब कुछ कम हो जाता है। तो आप हमेशा ही पाया खाते रहा करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये एक दर्जन बकरे का पाया है, स्किन के साथ है। इसे हमने धो के एकदम अच्छी तरह से साफ कर लिया है। दो मीडियम प्याज है स्लाइस में कटे हुए, आधा टीस्पून हल्दी है और डेढ़ टीस्पून नमक है, तीन तेज पत्ते, चार से पांच लौंग, 10-12 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टार फूल। अब हम इस पाए को कुकर में डाल के अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ये गरम मसाला, नमक और हल्दी पाउडर सब कुछ ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें लगभग 1.5 से 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे और कुकर को बंद करके हम फ्लेम पे रख देंगे। जब इसमें पहली सीटी आ जाएगी उसके बाद हम इसको एकदम लो फ्लेम पे 1 घंटा पकाएंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा पाया गला है कि नहीं। ये देखिए हमारे पाए बड़ी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमें इसके लिए मसाला तैयार करना है। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे और उसकी सामग्री ले लेंगे। ये 2 बड़ी प्याज है बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबल स्पून कश्मीरी चिली है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। इसे हमने धो के साफ कर लिया है। अब हमने गैस ऑन कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल के। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन करेंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले डालकर भूनेंगे। हमारी प्याज गोल्डन होने लगी है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें 1/2 ग्लास पानी ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह पक जाएं और भून जाएं। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हाँ, ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है। अभी इसे हम और थोड़ी देर अच्छी तरह भून लेंगे। गैस को हम स्लो कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। देखिए अब हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मसाले को हम पाए के साथ मिला देंगे। देखिए अब हम हमारे इस मसाले को हम पाए में डाल देंगे।
अब हम इसे एक बार फिर से गैस पे रख के कुछ देर पकाएंगे। ये देखिए अब हमारा पाया पकते हुए 2 मिनट हो गए मसाले के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे, गैस को करेंगे बंद और डालेंगे हरा धनिया। ये लीजिए आपका पाया तैयार है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म पाया तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।